आशा वर्कर की बहुत सारी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस बार जो है धड़ाके से ये काम हुआ है कि आशा वर्कर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बहुत सारी बातों को उन्होंने दर्ज किया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, आशा बहनों को क्या मांगे हैं और क्या कहना है उनका, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस जानकारी को यानी कि ये जो जानकारी है वो जिला के सचिव जो है संतोष यादव ने दी है। बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में काफी समस्याओं और परेशानियों से निकलना पड़ रहा है और सामना करना पड़ रहा है। उन्हें रात दिन काम करने के बाद मौजूद भी उनको कोई उतना मानदेय नहीं मिल रहा है, मतलब वेतन नहीं मिल रहा है। तो इसके राशि को दी जा रही है, जो राशि को उनको प्रदान करी जा रही है, उन मांगों को पूरा करने के लिए आशा बहनें इस चीज को अपना बयान रख रही है कि बातों को रख रही है, ठीक है। राशि दी जाए, जो उनका मांग है उनको उतनी राशि दी जाए। उन्हें मांग जो है आशा कार्यकर्ताओं को प्रकार सचिव जो है कर्मचारी, उन्होंने बताया है कि 28,000 रुपये निर्देशित वेतन को उन्होंने मांग करी है। वहीं आपको आशा कार्यकर्ताओं को जो है इसके आपको 25 काफी समस्या जो है परेशानी को उसको देखा जा रहा है, 25 प्रसिद्ध पद जो है आशा कार्यकर्ताओं को भरे जाए। मतलब बेसिकली इनका मानदेय, इनका जो कहना है कि आप लोग ऑलरेडी अगर आप वेतन नहीं बढ़ा सकते, अगर वेतन नहीं बढ़ा सकते तो आपको कम से कम इतना तो करना होगा हमारे लिए कि जो 28,000 रुपये हम वेतन कह रहे हैं उस हिसाब से आप मुझे या तो फिर सरकारी गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय का आप मुझे वो दे दीजिए कि हम एक सरकारी कर्मचारी है। जिला सचिव संतोष यादव ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को दिन में दिन में भी काम करना पड़ता है, जो भी एप्लीकेशन द्वारा कोई भी काम होता है तो, और रात के भी महिलाओं को अस्पताल में रुकना पड़ता है, जैसे कोई भी डिलीवरी होगी या कोई भी दिक्कत परेशानी होगी किसी को तो रात में भी रुकना पड़ता है, दिन में भी एप्लीकेशन द्वारा काम करना पड़ता है। तो मैं आशा जो है आना पड़ता है और उसमें काम करना पड़ता है, वहीं बैठकर आपको जो है देखा जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के लिए ध्यान रखे जाए तो इस चीज़ का बता दूँ कि वहाँ पर अस्पतालों में बहुत सारी जगह पर बैठने के लिए स्थान नहीं होता, नीचे बैठना पड़ता है, फिर बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है, तो उनकी सुरक्षा का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। आशा बहनों का ये कहना है कि उनकी हमारी सुरक्षा का भी ध्यान रखनी चाहिए। उस हिसाब से जो है इसमें जो है कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग से आरामदायक गृह की व्यवस्था भी की जाए, ताकि वो कोई भी परेशानी वो उठाना ना पाए, उनको कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं आना मतलब कि जो है जो चीज़ों को इनको ध्यान रखा जाइए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए उन्होंने बताया है कि आशा बहनों को ये जो मांगे हैं पूरी करी जाए। जैसे या फिर मांग के चलो मैं आपको सिंपल सिंपल दो चीज़ें बता देता हूँ कि पहले उनका जो कहना है कि या तो फिर सैलरी बढ़ा दीजिए, जो उनका 2500 या फिर 3000 जो भी उनका स्टेट वाइज उसको वेतन मिलता है तो उसको अगर एटलीस्ट 28% उनको बढ़ा दीजिए, मतलब अगर 3000 मिल रहा है तो उनको 5000 या फिर 6000 करीब को वेतन मिलना शुरू हो जाए। और उसके साथ ही उनका कहना है अगर वेतन नहीं बढ़ सकता तो उनको सरकारी कर्मचारी का उनको दिया जाए कि वो एक सरकारी कर्मचारी है, कोई मतलब ऐसे औरत नहीं है, वो मतलब कि एक सरकारी काम कर रहे हैं तो सरकार का ही काम कर रहे हैं, तो एक तरह सरकारी काम हो जाता है ऐसा। फिर उनका कहना है कि आशा वर्कर का जो है उनको एक सरकारी कर्मचारी के रूप में देखा जाए, ठीक है, मतलब सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी के रूप में देखा जाए। और उसके साथ उनका कहना यह भी है कि अगर आप वेतन नहीं बढ़ा सकते तो हमारी कम से कम सुरक्षा की भी ध्यान रखा जाए, सुरक्षा जो मतलब कहीं भी आना जाना होता है तो उनको कष्ट पीड़ा जो भी उनको उठाना पड़ता है तो उन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा और सरकार का ये चीज निर्णय लेना होगा इस चीज को लेकर, क्योंकि आशा बहनों को बहुत ज्यादा ऐसे दिखाया जाता है तो उस हिसाब से उनको सब कुछ ध्यान देना होगा। और वेतन में भी बहुत ज्यादा वो चीज हो रही है कि वेतन भी बहुत लेट लेट आ रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि हमें अगर जितना भी वेतन मिल रहा है तो उस हिसाब से हमें कम से कम टाइम टू टाइम वेतन तो मिले, मतलब समय समय पर हमें वेतन मिलते रहे, तो उस चीज को भी वो क्रिटिसाइज हो रहा है कि वेतन में उनको मिलने में थोड़ा दिक्कत परेशानी आ रहा है, बहुत सारे आशा बहनों के तो वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक पूरी बात रखी गई थी आशा बहनों के रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।